एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर। और मैं आपके साथ शेयर करती हूं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। और फ्रेंड्स, बहुत सारे जो है वो गिफ्ट्स आए थे, तो कुछ मिले जुले से गिफ्ट आए हैं इस बार, और जो है वो नववर्ष के लिए हैं। तो मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। तो ये हमें जो है वो पायल दीदी ने भेजे हैं। बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूज़न है कि पायल दीदी ड्रेस बेचती हैं। जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो ड्रेस नहीं बेचती हैं, वो अपने राधा कृष्ण जी के लिए बनाती हैं, तो मेरे लिए भी बना देती हैं। और उनसे मेरी कोई रिश्तेदारी नहीं है। जिस तरीके से आप सभी लोग चैनल के दर्शक हैं, वो भी चैनल की दर्शक थी, बस धीरे धीरे प्रेम बढ़ गया, मन जुड़ गया, वो भी बहुत साफ दिल की जो है महिला हैं। और बस जब व्यक्ति साफ दिल का होता है तो मन अपने आप जुड़ ही जाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें आई हैं, और इस बार तो हमारे जीजा जी ने भी हमें ख़ास चीज़ें भेजी हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या आया है। तो इस कार्टून को रख देती हूँ मैं साइड में। सबसे पहले मेरे बहुत काम की चीज़ आई है वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये आया है एक कैलेंडर, मैं इसकी स्टोरी सुनाऊँ। मैं इसे ना लेने जाने वाली थी मार्केट, क्योंकि पुराने साल का तो कैलेंडर तो यूज़ में आएगा नहीं। मैं बकाया के संभाल के रखती हूँ, लेकिन कोई यूज़ में नहीं आएगा। तो चूंकि मेरी एक स्टडी टेबल है, मुझे उसके लिए इस टाइप का कैलेंडर चाहिए होता है ना, तो मैं आपको बोल भी रही थी ना कि मेरे को कैलेंडर दिला के लाइए इस टाइप का। तो ये बोल रहे थे हाँ ले चलेंगे, दिला लाएंगे। तो ये मेरे जिया जी ने मुझे जो है कैलेंडर भेजा है, और इस पर आपको प्रिज्म सीमेंट दिख रही होगी। बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए। तो ये जिया जी ना इस कंपनी में हैं, कार्यरत हैं। तो ये जो है वो है दूर की सोच, प्रिज्म सीमेंट। तो देखिए, हमारी जीजा जी ने हमें दूर की सोच भेजी है। तो ये मेरे लिए बहुत काम की चीज़ है, और ये बहुत अच्छे से रैप था, मैंने इसे खोल दिया। तो स्टडी टेबल पे, चूँकि मेरा ज़्यादातर समय या तो यहीं बीतता है मंदिर में, या फिर मेरा ज़्यादातर समय मेरी स्टडी टेबल पर ही निकल जाता है। बहुत सारी चीज़ें मैं वहाँ पर स्टडी करती रहती हूँ, तो मेरा ज़्यादातर समय वहीं निकलता है। सो मुझे वहाँ कैलेंडर की बहुत आवश्यकता थी, तो ये एक सबसे अच्छी चीज़ आई मेरे लिए। उसके बाद मैं आपको दिखाऊँ कि और क्या आया है। तो सबसे पहले तो मैं आपको अपनी जीजा जी की चीज़ें दिखाऊंगी, है ना। पहली बार मेरे जीजा जी ने मेरे लिए कुछ भेजा है, तो मैं पहले आपको वही दिखाऊंगी। सामान बहुत सारा आया हुआ है, लेकिन मैं पहले आपको वही दिखाती हूँ, ठीक है। और ये जो है भेजा है, हाँ, और ये भेजा है जीजा जी ने एक मग, जो कि दूर की सोच है। आप देख सकते हैं, हम जो है इस दूर की सोच में दूर की चाय पियेंगे, क्योंकि हस्बैंड तो कॉफ़ी पीते हैं। अब देखिए क्या होता है, हस्बैंड से पूछते हैं, उनको पसंद आते कि नहीं। देखिए मेरे लिए कप आया है, अरे वाह, आप कॉफ़ी पियेंगे इसमें कि मैं चाय पीऊँ? मेरे लिए आया है, मेरे जिया जी ने मेरे लिए भेजा। वो कह रहे थे वो चाय तो पीती नहीं है श्रेया, तो वो कॉफ़ी तो पीती नहीं, वो चाय पिएगी इसमें, तो मैं पूरा एक मग भर के चाय पीऊँगी। तो दूर की सोच भेजी है हमारे जिया जी ने, आप लोग समझ लीजिए। और उसके बाद हमारे जिया जी भेजी मुझे एक डायरी। डायरी का भी मुझे बेहद शौक है, हस्बैंड जानते हैं, मेरे पास इतनी बढ़िया बढ़िया डायरी मिल जाएंगी आपको, लॉक वाली, वॉच वाली, पता नहीं कौन कौन सी। तो पहले मैं बहुत सारी डायरियाँ लिखा करती थी, आजकल तो बंद कर दिया, बट ये बहुत अच्छी चीज़, दूर की सोच है ये भी, आप देख लीजिए। कोई ये मत समझिएगा कि मैं प्रिज्म सीमेंट का प्रचार कर रही हूँ भाई, कोई इलाहाबाद से तो ले सकता है, कोई बात नहीं है, क्योंकि जीजा जी ना इलाहाबाद में, पायल दीदी इलाहाबाद से हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो हमारे जीजा जी ने हमें भेजा है, क्योंकि वो कंपनी में है, तो जाहिर सी बात है कि उनको मिली होगी, तो उन्होंने मेरे लिए भेज दी। तो ये तो है बहुत अच्छी चीज़, जो कि मेरे काम की चीज़ें हैं। जीजा जी ने सारी चीज़ें ध्यानपूर्वक भेजी हैं मेरे काम के लिए। और उसके बाद जो आई है सबसे अच्छी चीज़, हाथ मत लगाइएगा, दूर रहिएगा, ये ना मुझे आज ही रिसीव हुआ है पार्सल। अरे भाई, हाथ नहीं आ रहा हूँ, कोई बात नहीं। हाँ मत, आपके लिए कुछ नहीं, आपके लिए, आपकी आपकी आपके लिए ना दीदी जी ने भेजा है। तो ये हस्बैंड के लिए आए हैं सॉक्स। इनफैक्ट मैं आपको बताऊँ क्यों आए हैं, क्योंकि दीदी जी इनके लिए कुछ बनाना चाह रही थी मेरे लिए, उन्होंने ब्लाउज बना दी थी, इनके लिए कभी कुछ बनाया नहीं। तो उन्होंने अचानक से मुझसे पूछ लिया कि श्रेया भैया के लिए मैं कुछ गर्म बना रही हूँ स्वेटर वगैरह, तुम बताओ बना दूँ? तो मैं कहा दीदी वो मत बनाइए, परेशान मत होइए, क्योंकि इनके पैर बहुत ठंडा आते हैं, चूँकि मुझे बुनाई आती नहीं है। तो आप ऐसा करिए कि इनके लिए ना उनके मोजे बना दीजिए, पहले इनकी माता जी इनको बनाती थी। अच्छा, मैं तो बना नहीं पाती हूँ। अच्छा, वो नेपालियों वाले ना कभी इनको आते हैं सही, कभी नहीं आते, बड़ा डिस्टर्ब करते हैं। सो कैसे लग रहे हैं आपको? अच्छे लग रहे हैं, बहुत सुंदर है, कलर अच्छा है। पहनिए, एक पहनिए,
एक पहन के पैर दिखाइए अपना दीदी खुश हो जाएंगी तो इस वाले पैर का, हाँ तो ये अच्छा है, सॉक्स अच्छे हैं, मुझे तो अच्छे लग रहे हैं। इनके सॉक्स देख के मुझे चिढ़ हो रही है। एक आप पहन लेना, एक मैं पहन लूँगी। पहन लीजिए, बंटवारा करेंगे क्या आप? तो मैं आपको ना दोनों पहन लीजिए, दोनों पहन नहीं जाने दीजिए धीरे से। तो ये देखिए ऐसे लग रहे हैं, बहुत सुंदर से सॉक्स हैं और बढ़िया से इनको जो है वो आ गए हैं। सो बड़े अच्छे से सॉक्स हैं ये, वाह क्या बात है, इनको तो आ गए। लीजिए दूसरा भी पहन लीजिए, जाइए। इसके अलावा कुछ नहीं है आपके लिए। अच्छा ठीक है, ये आया है इनके लिए एक स्वेटर। ये यहीं बगल में चिपके हुए बैठे हैं, कहीं जाने वाले हैं नहीं यहीं देखेंगे क्या आया है क्या नहीं आया है। तो एक ये आया है इनके लिए स्वेटर, दीदी को बुनाई बहुत अच्छी आती है और ये उन्होंने ना डिफरेंट डिज़ाइन का स्वेटर बनाया है। सो ये कलर इनको बहुत पसंद आया, देखते ही साथ जो है चेहरा खिल गया कि वाह ये होते हैं ससुराल के मज़े, स्वेटर मिल जाता है बना बनाया। अच्छा मुझे तो बुनाई आती नहीं, सो मेरे साथ तो बड़ी समस्या है, वरना मैंने खूब अच्छे अच्छे स्वेटर बना बना के पहनाती। तो ये दीदी जी ने बिना नाप के ही बहुत अच्छे से बनाया है और अभी इन्होंने पहना नहीं है क्योंकि आज ही मुझे रिसीव हुआ वीडियो, मैं अभी शूट कर रही हूँ जस्ट थोड़ी देर बाद, ये अभी अभी आए हैं और हो सकता है ये वीडियो आने में थोड़ा सा लेट हो जाए, जब तक आप लोग इसे देखें तब तक इसे 2-4-10 दिन हो जाए। सो ये तो इनके लिए क्रीम कलर का स्वेटर आया है जो कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और ये किसी भी कपड़े पर ये पहन लेंगे, है ना। अब हम चलते हैं मेन चीज़ पर जिसका आप लोगों को रहता है बेसब्री से इंतज़ार। तो लड्डू गोपाल के लिए बहुत सारी चीज़ें आई हैं और राधा कृष्ण जी के लिए भी आए हैं। तो सबसे पहले पोचू, मैंने किसी एक वीडियो में बोल दिया था कि मैं पोचू पहनाना चाहती हूँ, शायद दीदी ने सुन लिया, तो फिर उन्होंने फटाफट जो है वो ये पोचू मुझे लगता है बनाए हैं जो कि मुझे लग रहे हैं बहुत सुंदर। और सबसे अच्छी चीज़, सबसे खूबसूरत चीज़ मैं आपको बताऊं वो ये कि मुझे एक कलर का कपड़ा बहुत पसंद आता है, बेहद खूबसूरत लगता है वो, तो दीदी जी ने इसे एक कलर में ही बनाया। तो मैं अपने राधा कृष्ण जी को ऐसे पहनाऊंगी और ये लग रहा है बहुत सुंदर। तो ये दो बनाए हुए हैं, एक राधा जी के लिए एक कृष्ण जी के लिए। अब इस बुनाई का नाम क्या ये मैं नहीं जानती, थोड़ा सा डिफरेंट है तो जो लोग बुनाई करते हैं वो समझ लीजिएगा। अच्छा कभी कभी तो मैं उल्टा सीधा भी नहीं समझ पाती हूँ, तो आप लोग दोनों तरफ से देख लीजिए, आपको जहाँ से समझ में आ जाए तो मुझे बताइएगा। मुझे लग रहा है ये सीधा है, ये उल्टा है, अब जो भी हो मैं नहीं बता पाऊँगी दीदी बताएंगी। मैंने कन्हैया जी को पिछले बार पोछू उल्टा पहना दिया था, मैंने ध्यान ही नहीं दिया और मैंने दिखाया भी उल्टा ही था। और ये बनाई है लड्डू गोपाल के लिए एक पोशाक, ये लग रही है मुझे बहुत सुंदर। इसके सुंदर होने के दो कारण, एक तो ये बहुत हल्की है, ठीक है, लेस वेस लगी है इसमें कपड़े की है तो ये बहुत हल्की है और इसमें शायद दीदी ने इस बार अरगंडी लगाई है क्या, और इसमें जो है आस्तीन है फुल। लड्डू गोपाल के पास बहुत सारी पोशाक हैं, यहाँ पे दीदी जी ने बेल्क्रो लगाई है इस तरीके से ओपन होके इस तरीके से पहन ली जाएगी, लेकिन इस तरीके की स्लीव वाली नहीं है, है ना। सो ये है बहुत सुंदर सी एक पोशाक जो लग रही है बहुत ही प्यारी। कलर कॉम्बिनेशन तो ये लड्डू गोपाल पर बहुत अच्छा लगेगा, इनका तो फेवरेट है ये, तो हर बार कुछ ना कुछ इनके फेवरेट कलर का ज़रूर आता है, मेरे फेवरेट कलर का नहीं आता, ब्लैक कलर का कुछ नहीं आता है, सब ना इन्हीं के कलर का आता है फेवरेट फेवरेट। और ये है जो है एक पोशाक लड्डू गोपाल की रेड एंड वाइट, तो बहुत सारी पोशाक हो गई लड्डू गोपाल के पास रेड एंड वाइट, तो कुछ इस प्रकार की है ये, बहुत सुंदर है। और इस टाइप की पोशाक मैं आपको और दिखा चुकी, तो दीदी ने वैसी ही बनाई। और सबसे सुंदर चीज़ दिखाऊँ मैं आपको इस पोशाक की, सबसे प्यारी मतलब इस टाइप की कैप मेरे पास बहुत है, मैं बहुत लगाती हूँ और आपके जिया जी बोलते हैं ये तुम्हारा एंटीना है क्या तो इसमें ना इस टाइप का जो है नीचे की साइड बॉर्डर है, यहाँ पर बॉर्डर है और इसमें ना ये लगा हुआ है, तो मेरे पास इस टाइप की कैप है, तो ये बोलते हैं तुम्हारा एंटीना है क्या हिलता रहता है तो ये इस टाइप की कैप है, बहुत सुंदर कैप लग रही है मुझे, बहुत 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 प्यारी कैप है ये, और ये लड्डू पर लगा के बहुत प्यारे लगेंगे। और इसके साथ जो दीदी हैं उनकी सासू माँ ने जो है बनाए हैं सॉक्स, और मैं आपको सॉक्स दिखाऊंगी तो आप लोग हो जाएंगे एकदम खुश। ये देखें खूब बड़े बड़े से सॉक्स हैं ये, बहुत बढ़िया से उन्हें आएंगे घुटने तक आ जाएंगे ये, और ये जो है वो मम्मी जी ने बनाए हैं, तो मम्मी जी को मैं क्या कहूँ, दिल से धन्यवाद कहूँगी कि मतलब इस उम्र में वो नज़र का इतना महीन काम कर लेती हैं, सबसे बड़ी बात तो ये है। तो ये जो है वो दीदी जी की सासू माँ जो है उन्होंने बनाई है, दिल से धन्यवाद कहूँगी मैं, ईश्वर उनको स्वस्थ रखें, लंबी आयु दें और जीवन के सभी कष्टों को जो है वो समाप्त करें, तो ये कहूँगी मैं। आप कुछ कहना चाहेंगे? स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें माता जी, और क्या, और क्या, माता जी स्वस्थ रहें प्रसन्न रहें, यही हमारी ईश्वर से जो है वो हम लोगों को आशीर्वाद मिलता रहे उनका, और क्या आशीर्वाद मिलता रहे, मम्मी जी कहने को मिलता रहता है तो अच्छा लगता है जीवन में। और पता नहीं क्यों उसका कलर लाइट आ रहा है,
आई डोंट नो, ये इसका एक्चुअल कलर है, बिल्कुल यही ऑरेंज कलर की है ये। इस पे दीदी ने डिफरेंट टाइप की कारीगरी की है भाई, सब बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइन बना लेते हैं। मैं ही कदी हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, मुझे नहीं आता, मैं क्या करूँ। इसमें इस टाइप के टैसल्स ऊन से बना के लगाए हैं, इस टाइप की इसकी जो है वो ऊपर की कोटी है, और ऐसा ये जो है इसी में बुनाई है। यहाँ पे साइड में कुछ डिफरेंट डिज़ाइन है, सो ये है। इसके साथ भी एंटीने वाली टोपी बनाई है, ये देखे अच्छी लग रही है मुझे तो। यहाँ पे बॉर्डर, आपको बड़ा मज़ा आ रहा है, बड़ी आई, आपको बड़ा मज़ा आ रहा है, बड़ा हंस रहे हैं आप। आपके लिए भी दीदी कह के कैंटीन वाली टोपी बनवाऊंगी। दीदी जी अगर आप हमें सुन रही तो इनके लिए भी एक एंटीने वाली टोपी बनाइए, फिर मैं भी इनको छुड़ाऊंगी, आपका भी एंटीना है क्या? तो ये जो है वो एक कैप है जो बहुत सुंदर है, और इसके साथ भी जो मम्मी जी हैं उन्होंने बनाए हैं सॉक्स, और ये सॉक्स मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं, ये देखें, मतलब बढ़िया से उन्हें आ जाएंगे, उनके पैरों बढ़िया से ढक जाएंगे, घुटने तक ये आराम से आ जाएगा। और इसमें भी मम्मी जी ने लगाए हैं टेसल्स, ये देखें, है ना, मम्मी जी ने बहुत बारीक नज़र का काम कर लेती हैं इस उम्र में। तो खैर, मेरे ईश्वर से यही प्रार्थना है कि उन्हें लंबा जो है वो आयु दे, अच्छा स्वास्थ्य दे, और हम लोगों को आशीर्वाद देती रहे, और ऐसे जो है सॉक्स बनाती रहे। तो ये सारी चीज़ें आई थी। अब मैं आपको दिखाती हूँ सबसे फेवरेट चीज़, ठीक है? और देखें ये, तो ये मैं आपको दिखाती हूँ खोल के। ये दीदी जी गई थी शायद, नया डिब्बा लेकर आई, और दीदी जी ने भेजे हैं लड्डू, और इसमें ना तिल के लड्डू हैं, गुड़ के लड्डू हैं, बहुत सारे लड्डू हैं इसमें, और एक लंबे समय के बाद जो है यूं कहिए कि चलिए चलिए भाव मत करिए। इनफैक्ट मैं आपको एक समय बता रही, पहले मेरी मम्मी लड्डू बनाया करती थी, तो मेरे लिए थोड़े से लड्डू अलग से बना के खूब अच्छा सा घी डाल के उसमें रखा करती थी, तो रोज़ एक लड्डू ज़बरदस्ती खिलाया करती थी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था उस समय। और देखिए, जब आपके पास चीज़ें होती हैं ना, तो आपको उनकी कदर नहीं होती, तो जब मम्मी खिलाया करती तो मुझे बड़ी चिढ़ होती थी, क्या रोज़ रोज़ लड्डू खिलाती रहती हैं। और अब एक समय आया कि आज मैंने कई सालों बाद, एक बहुत लंबे अरसे बाद जो है वो मैंने जब इन्हें देखा था तो मैं बहुत परेशान थी उस समय, काफ़ी देर बैठी परेशान होती रही, फिर बाद में हस्बैंड आए, उन्होंने समझाया कि चलो कोई बात नहीं, माँ जैसी ही है, और पायल दीदी बाकी हम लोगों के लिए माँ जैसी है, मुझे बहुत समझाती हैं। कभी कभी जब मैं बहुत परेशान होती हूँ तो वो बहुत समझाती हैं, श्रेया क्या तुम परेशान होने लगती हो, ये वो। तो ये लड्डू मेरे लिए भेजे, लड्डू बाबू खाएंगे इसे, हम खाएंगे, और क्या, इनके लिए तो स्वेटर आया है, मोजे आए हैं। हाँ भैया, हम नहीं खाएंगे आप लड्डू, आप परेशान ना होइए। हाँ, हम नहीं देंगे। ये इतने झूठ बोल रहे हैं, ये इतने बड़े वाले हैं, मैं बता रही हूँ, मैं आपको नहीं नहीं मैं बता रही हूँ, ये झूठ बोल रहे हैं आप। ये रात को खाना खाने के बाद ना फ्रिज के पास परिक्रमा लगाते रहते हैं। देखिए अभी इनकी ना एक बोल कुल ला लिया, ये रात को जब खाना खा लेते हैं फिर ना ये फ्रिज के पास, अगर इनको पता है कि कुछ मीठा रखा है ना, तो ये वहीं परिक्रमा लगाते रहते फ्रिज की, जाके खाएंगे फिर बैठ जाएंगे, क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं, फिर जाएंगे फिर कुछ खा के आ जाएंगे, क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं, और थोड़ी देर बाद पता चला दो तीन लड्डू गाए हो। तो आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद, और जिया जी को विशेष कर से बहुत धन्यवाद, हमें दूर की सोच भेजी, हमारी सोच वैसे दूर की ही होनी चाहिए, ये बहुत अच्छी चीज़ भेजी हमारी जिया जी ने, मेरे तो सभी चीज़ें काम की है, आपके काम की है, आप इनको बस डेट देखने के काम आएगी, बट मेरे ये बहुत काम की चीज़ें हैं। तो सबसे अच्छी चीज़ ये है, बकाए के लड्डू मिल गए तो बस एकदम मन खुश हो गया, संक्रांत से पहले लड्डू मिल गए हैं तो ये और ही अच्छी बात है। ये पार्सल मुझे कब रिसीव हुआ, मैं बता रही, आज कौन सी डेट है, सात तारीख है, आज 7 तारीख है, तो आज मुझे ये रिसीव हुआ, हो सकता है ये वीडियो आने में थोड़ा सा समय लग जाए, लेकिन ये सब बहुत सुंदर सुंदर सी पोशाक और इतना सारा प्यार आशीर्वाद, क्या कहूँ, कैसे धन्यवाद ज्ञापित करूँ। कभी कभी तो लगता है इतना, मतलब कभी कभी ना तो मुझे खुद से ईर्ष्या होने लगती है कि कोई इतना अच्छा भाग्य लेके कैसे आ सकता है। शिवा शिवा फैमिली से मुझे इतने अच्छे परिवार के सदस्य मिले, आशीर्वाद देने वाले, प्यार करने वाले, किस्मत से मुझे इतने अच्छे पति भी मिले हैं, और अब तो खैर जिया जी भी अच्छे मिल गए मुझे। और कैसे। तो यही सब है। तो दोस्तों, अगर ये ब्लॉग आपको पसंद आया हो तो आप जो है वो लाइक ज़रूर करें वीडियो को,
और आप सभी के लिए भी लड्डू हैं, ऐसी बात नहीं है, आप सब भी खा सकते हैं यहाँ से ये सारे लड्डू आप लोगों के भी, आप लोग दृष्टि भोग लगा लीजिए तो आप सभी लड्डू खाइए, मैं भी लड्डू खाऊंगी। बट खुशबू बहुत अच्छी है, मैं आपको एक बात बता दूं कि बहुत ही गजब की खुशबू है इसमें, आप लोग अंदाजा लगा सकते। अगर इस फोन में कोई यंत्र होता कि मैं आपको इन लड्डुओं को सुंघा सकती तो मैं बताती कि कैसे लड्डू हैं ये, बहुत ही अच्छे लड्डू हैं। आप कहना चाहेंगे दीदी जीजा जी को कुछ? धन्यवाद देंगे और क्या, धन्यवाद देंगे, ओ धन्यवाद दे रहे हैं दीदी जी को ये। तो चलिए दोस्तों, सब कुछ बहुत अच्छा है, मुझे तो बहुत पसंद आया। आप लोगों को कैसा लगा लड्डू बाबू के मोजे? मुझे बहुत पसंद आया, पोशाक भी बहुत सुंदर है, और लड्डू गोपाल की आस्तीन वाली पोशाक तो पहली बार पहनेंगे वो, ऐसी पोशाक आज तक उन्होंने फुल आस्तीन की पोशाक नहीं पहनी है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और अगर आपने हम इंस्टाग्राम पर ज्वाइन नहीं किया तो आप मुझे वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ मैं वीडियो की अपडेट शेयर करती रहती हूँ, खुद से रिलेटेड छोटी मोटी जो अपडेट होती है वो वहीं पर शेयर करती हूँ। तो दोस्तों मैं मिलती हूँ आपसे विद अ न्यू वीडियो, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, बाय बाय दोस्तों, बाय बाय।